कार्याध्यक्ष, तृतीय श्रेणी जो परीक्षा हमारी होने वाली है 19 सितंबर को कमीशन ने जो डेट दे रखी है, आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए आज मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देना चाहती हूँ, जिससे आपकी जो तैयारी है उस तैयारी का जो अंतिम जो स्वरूप है वो बिल्कुल सफलता की ओर आपको अग्रसर करे। तो आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज है दिनांक 20 अगस्त 2020, और कमीशन ने जो डेट आपको दे रखी है वो डेट दे रखी है आपको 19 सितंबर 2020 की। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं आज से लेकर के 19 सितंबर की बात करते हैं, तो आज के बाद 30वें दिन आपका क्या है, एग्जाम है। ठीक है, अगर आज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आज का दिन तो गया, तो आज को हम छोड़ देते हैं, अगर हम कल से लेते हैं तो कल से लेकर के जो 30वां दिन है, 30वें दिन आपके पास आपका जो है वो एग्जाम है। अर्थात हमारे पास टोटल कितने दिन जो है वो बचे, 29 डेज जो है हमारे पास रिमेनिंग है, या हमारे पास है बचे हुए हैं, जिनमें हम अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। अब इस 19 दिन की अगर हम लोग बात करें, तो 11 दिन यानी कि 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक इस महीने के हमारे पास है, और 1 से लेके 18 तारीख तक यानी कि 18 दिन जो है हमारे पास अगले महीने में है। तो टोटल जो है वो 29 दिन हमारे पास हैं। तो 29 दिनों की रणनीति के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। मैं एक बार यहाँ पे मेंशन करते चलती हूँ, हम बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा 21 तारीख से लेकर के, तो ये 21-8 हो गया, 22-8 हो गया, 23-8, 24-8, 25-8, 26-8, 27-8, 28-8, 29-8 और 30-8। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं 31-8, देन 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9। ठीक है, देन 11-9, 12-9, 13-9, 14-9, 15-9, 16-9, 17 सितंबर और ये हमारा 18 सितंबर। ये हमारे पास जो है वो दिन बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो अब इसमें हम किस तरीके से जो है वो तैयारी करें और किस तरीके से एक रणनीति रखें, जिससे हमारी तैयारी या तो हम पहले कर चुके हैं तो तैयारी को हम एक अंतिम रूप दे सकें, और अगर किसी भी कारण से हमारी तैयारी बाधित रही है। देखो, मैं भली भांति समझती हूँ इस बात को कि बार बार अगेन एंड अगेन आपके एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुए, देन एक सीरियसली जो आपका पेपर हुआ, पर्चा लीक हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक डीमोरलाइज स्टूडेंट जो है वो अपने को डीमोरलाइज स्टेज पे अपने को पा रहे हैं, और वापस से रीस्टार्ट करना। अब पहली बार जो परीक्षा होती उसके लिए जो अंदर से आपकी जो तैयारी थी या जो अंदर से जो एक्साइटमेंट आपका जो था, आज जो एग्जाम हो रहा है वो एक्साइटमेंट आपका खत्म है। आज जो एग्जाम है आप परीक्षा को परीक्षा की तरह देना चाह रहे हैं, वो जो एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट अलग तरीके का था। अगर उस समय पे एग्जाम हुआ होता तो आपकी मनःस्थिति अलग तरीके की होती, और इतनी बार एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद आज के सिचुएशन में आपका जो मानसिक स्तर है, मानसिक लेवल है, वो अलग स्टेज पे है। आज 19 तारीख एग्जाम की डेट हमारे सामने है, लेकिन इसमें भी कई स्टूडेंट्स हां ना की स्थिति में लगे हुए हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हां ना की स्थिति में ठीक है आप लगे हुए हैं, स्वाभाविक है, आपकी अपनी सोच है और आपका अपना दायरा है जो आपको ये कहता है कि इतनी बार पोस्टपोन हुआ तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन हम दूसरे पात पे जाएं तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कमीशन ने हमें ये डेट दे रखी है। अगर दे रखी है तो हमें कोई इफ एंड बट्स नहीं करने हैं। अगर डेट आई हुई है तो उस डेट के अकॉर्डिंग तैयारी करना हमारा एक कर्तव्य बनता है, और
रणनीतिक तैयारी से अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने आप को अग्रसर करते हैं सफलता के पथ पर। अगर यही हम कश्मकश में रह करके कि होगा कि नहीं होगा, अगर इस दुविधा में अटके रहे तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम अगर अचानक हो जाता है उसी डेट पर, फिर ऐसे सिचुएशन में आप लोग कमीशन को ब्लेम करते हैं, आप लोग कोचिंग्स को ब्लेम करते हैं, जबकि ब्लेम करना नहीं बनता है। केवल और केवल जो है कमीशन ही वो ऑथराइज पर्सनालिटी है, वो ऑथराइज पर्सन है, वो ऑथराइज मीडियम है, माध्यम है, जो आपको जो है दिशा निर्देश देता है, गाइडलाइन देता है, और अकॉर्डिंगली हमें उसके अकॉर्डिंग तैयार होना पड़ता है। तो अभी 19 तारीख की जो हमारे पास डेट डिसाइडेड है, मैं जिस तरीके से आप लोगों को स्टार्टिंग से लेते हुए चल रही हूँ, आज भी मैं उसी तरीके के रणनीतिक एनालिसिस आप लोगों को दे रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद हम लोग जो है वो टेस्ट करते चलेंगे। मैं कल से लेती हूँ, 21 तारीख से लेती हूँ, तो 21, 22, 23, 24 कितने दिन हो गए? 4 डेज, 4 दिन हो गए ना। 21 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 4 दिन है। इन 4 दिनों में आप क्या करेंगे? अपने फर्स्ट यूनिट को तैयार करेंगे, ठीक है? फर्स्ट यूनिट को तैयार करेंगे। फर्स्ट यूनिट प्लस आप जीके भी साथ साथ तैयार करेंगे, ठीक है? अब जीके में जो है मैं टॉपिक पार्ट्स जो है वो इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जीके जो है ऑलमोस्ट रैंडमली इधर उधर सब लोगों का तैयार होता है। किसी पे आप बहुत ज्यादा फोकस दे देते हैं, किसी पे नहीं देते हैं। तो मैं जीके के टॉपिक वाइज नहीं चल रही हूँ, जीके को आप रैंडमली पढ़ते चलिए, जीके को हम लोग रैंडमली पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट यूनिट 4 दिन में आपने तैयार किया, पांचवें दिन यानी कि 28 तारीख को हम क्या करेंगे? एक मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है? मॉक टेस्ट होगा 150 क्वेश्चंस का। टाइमिंग क्या होगा मॉक टेस्ट का? ये थोड़ा सा सुनने वाली बात है और इसको आप जहन में बिठा लीजिएगा कि मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा, बिकॉज 24 घंटे वाला सिस्टम अब हम नहीं रखेंगे। मॉक टेस्ट 25 तारीख को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगा, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा जो हम 11 बजे स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशन पे, और आप इसको लास्ट 2 बजे तक ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। 2 बजे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किसका क्या रहा है। दूसरे पार्ट में आइए, दूसरा जो है हमारा 26, 27, 28 और 29, ये हमारे अगेन आगे के 4 डेज हुए। इसमें हम क्या करेंगे? सेकेंड यूनिट प्लस जीके ये तैयार करेंगे, और 30 तारीख को हमारा होगा मॉक टेस्ट। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चंस, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जो है वो सेकेंड यूनिट के और 50 क्वेश्चंस जीके के। थर्ड हम आते हैं 31, 1, 2 और 3, ये आपके 4 डेज हो गए। इसमें आप तैयार करेंगे यूनिट 3 प्लस जीके, और 4 तारीख को आपका होगा मॉक टेस्ट 3, ठीक है? यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और अगेन यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है? देन 5, 6, 7, 8 वापस 4 डेज आप क्या करेंगे? यूनिट 4 को तैयार करेंगे प्लस जीके को तैयार करेंगे, और 9 तारीख को
हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट 4 हो जाएगा, ये भी होगा 150 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब आगे हमारे पास बचे, मैं ये 10 तारीख को उधर ले लेती हूँ, 10, 11, 12 और 13, ये हो गया 4 days अगेन। इसमें हम करेंगे यूनिट 5 की तैयारी प्लस जीके, और 14 तारीख को मॉक टेस्ट 5 होगा हमारा, 150 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा जो है 14 तारीख को हो जाएगा। अब 14 के बाद 16 तारीख, 14 के बाद 16 तारीख और 18 तारीख, ये होगा आपका फुल मॉक, ये भी होगा आपका फुल मॉक, और ये होगा आपका कंपोजिट टेस्ट। ठीक है, कंपोजिट से टेस्ट से तात्पर्य है कि ये पूरे ही कोर्स में से आपके जो है वो फुल मॉक होगा। 150 क्वेश्चंस यहाँ पे भी होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस, और टाइम यहाँ पे वही 3 आवर्स होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 3 आवर्स का होगा, एंड 3 आवर्स के लिए ही पेपर जो है वो रहेंगे। 3 घंटे के बाद हम उसको हटा देंगे, 24 घंटे वाला हिसाब किताब। किसी भी इन पेपर्स में 24 घंटे टेस्ट आपके नहीं रहेंगे। तो हम लोगों ने अगर देखा, एक शॉर्ट अगर एनालिसिस करना चाहूं, अभी तक आप लोग अगर प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं तो आज के दिन भी आप अच्छे से खूब घूमिए, खाइए, पीजिए, नींद ले लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए। कल से आप जो है इस शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। 4 days की मैंने बात की, 21, 22, 23 और 24 तारीख, इन 4 दिनों में आप फर्स्ट यूनिट को अच्छे से तैयार कीजिए, और साथ में जीके आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो तैयार कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, कौन सा पार्ट लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। तो जीके भी साथ में लीजिए, और हम लोग टेस्ट करेंगे। कब करेंगे, इन 4 दिनों के बाद 5वें दिन यानी कि 25 तारीख को हम मॉक टेस्ट 1 करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट से होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके एंड 100 क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट के होंगे। देन 26, 27, 28 और 29, इन 4 दिनों में हम सेकेंड यूनिट को प्रिपेयर करेंगे, और 30 तारीख को अगेन हमारा पेपर जो है वो हो जाएगा। 31, 1, 2 और 3, इन 4 दिनों में हम लोग यूनिट 3 को प्रिपेयर करेंगे, और 4 तारीख को हम मॉक टेस्ट देंगे। 5, 6, 7 और 8 तारीख को हम लोग यूनिट 4 को प्रिपेयर करेंगे, और 9 तारीख को हम लोग फुल इसका मॉक देंगे। देन 10, 11, 12 और 13 तारीख को हम लोग यूनिट 5 प्रिपेयर करेंगे, और 14 तारीख को हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद 14 तारीख को मॉक टेस्ट देने के बाद 16 और 18 तारीख को फुल मॉक होगा, जिसमें पूरे कंप्लीट कोर्स से हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उनको देंगे और प्रिपेयर होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, एक इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है वो क्या है, कि जो टेस्ट है वो 3 आवर्स के लिए ही केवल होगा। तो आप वो 24 घंटे वाला जो है वो सिस्टम भूल जाइए। ठीक है, टेस्ट 3 आवर्स के लिए ही होगा। क्वेश्चंस 150 होंगे, कोई सा भी पेपर होगा, इधर चाहे हम यूनिट वाइज लेके चल रहे हैं, चाहे हम फुल लेके चल रहे हैं, हर पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक रणनीति जो है मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तैयारी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, अपने आप को जांचने के हिसाब से। और अगर कोई कमी आपके साइड से रह गई है, कोई चूक आपके साइड से हो रही है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे लगता है अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उन चूकों को आपसे बेहतरीन आपको कोई नहीं पकड़ सकता है। ये टेस्ट, ये रिवीजन, ये शेड्यूल, ये सब ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा कराना चाहते हैं या आप लोगों में कोई होड़ बनाना चाहते हैं।
बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों, ये सब आपको आपके खुद की तैयारी को जज करने के लिए है। तो आप जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आप इस तरीके के टेस्ट को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही चेक करते हैं, आप अपनी तैयारी को चेक करते हैं और आपके पास समय है, अगर कहीं किसी पॉइंट पे अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बर्डन नहीं समझ करके, इसको अपना एक अच्छा दिशा निर्देशन समझ करके इसमें खुशी मन से जो है आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। अगर कोई दूसरी रणनीति भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अगर आपने अपने लिए कुछ रणनीति बना रखी है तो आप बेशक उसको फॉलो कीजिए, लेकिन ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं आप इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और बेनिफिशियल होगा। जो स्टूडेंट तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, जिनको सीरियसली एग्जाम देना है, ऐसे लोग जुड़िए और इस तरीके के टेस्ट को आप दीजिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप लोग जो है इस पे ध्यान दीजिए। बाकी जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं बीच बीच में आप लोगों से बातें करती रहूंगी, बीच में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे बात कीजिए और अब मैं बीच बीच में आप लोगों के बीच में लाइव भी आती रहूंगी। ठीक है, तो आराम से तैयारी करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। बाय।